गवर्नमेंट कॉलेज रे तो हो न थिवो किछि सीएचएससी पिला। नो मैम, बढ़िया आपने आमर बढ़िया बहुत दिन लिखे हमें। बढ़िया, एत्ते गोटे कौन स्ट्रेस दे पड़िबो नाइ कि रे, अल्प पढ़ गवर्नमेंट पिला एई जाके सब पाई जानती जे। देखो पर सीबीएसई पिला को आमे कोन पाउन ना कोन, सी जैसे पिला टिके अधिक मेमोरी कलेक्ट कर दियंत, अधिक एंजॉय कर पारंती। आ बहुत सारा माड गोल सब थाए ना कॉलेज भितरे, रेसिडेंशियल में गवर्नमेंट कॉलेज। देखो एबे सुनो, मु काली पढ़ाई थी कौन क्या था दिव्याश्री, वो प्रोजेक्टाइल फायर्ड वर्टिकल अपवर्ड, नहीं प्रोजेक्टाइल फायर्ड वर्टिकल अपवर्ड में मैक्सिमम हाइट क्या था, टाइम ऑफ एक्शन क्या था, टाइम ऑफ डिसीजन क्या था, और वो कितने वेलोसिटी से ऊपर तक गया और कितना वेलोसिटी से वो नीचे वो ऑन रीचिंग द ग्राउंड वो वेलोसिटी क्या है, वो सब था। ठीक है, इसका मतलब जो टाइम ऑफ एक्शन वो टाइम ऑफ डिसीजन, जितना टाइम में हम ऊपर फेंकेंगे उतना ही टाइम में वो नीचे आएगा, जो वेलोसिटी ऊपर जाएगा जितना वेलोसिटी में ऊपर उतना ही वेलोसिटी में आएगा नीचे। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ क्या प्रोजेक्टाइल फायर्ड होराइजेंटली, प्रोजेक्टाइल फायर्ड होराइजेंटली। ठीक है, स्पीड पढ़ा तुम कोर्स पुणी सरी बनी। प्रोजेक्टाइल फायर्ड होराइजेंटली, होराइजेंटल डायरेक्शन में अगर हम एक ऑब्जेक्ट को ऐसे ही हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अगर प्रोजेक्ट करते हैं, मैं सिर्फ हाफ लेके अभी तुम्हें समझाती हूँ, फिर हम बाद में फुल लेके करेंगे। हाफ मतलब लेट, प्रोजेक्टाइल फायर्ड होराइजेंटली मतलब ऐसे फायर्ड किया, ऐसे एक ऑब्जेक्ट को मैंने प्रोजेक्ट किया, ऐसे ही प्रोजेक्ट किया, देखो ऐसे ही प्रोजेक्ट किया। लेट डिस्टेंस बिटवीन द होराइजेंटल रेंज इज एक्स। ठीक है, जो मैंने प्रोजेक्ट किया वो तो कोई किसी एक वेलोसिटी में प्रोजेक्ट किया होगा, मैंने नहीं, एक वेलोसिटी होगा। लेट यू इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, बट दिस वेलोसिटी इज योर होराइजेंटल वेलोसिटी, क्योंकि मैं प्रोजेक्टाइल को होराइजेंटली प्रोजेक्ट करती हूँ, ऐसे मैंने एक बॉल को ऐसे फेंका होराइजेंटली ऐसे फेंका, इसका मतलब जिस जिस वेलोसिटी में भी मैंने फेंका वो मेरी होराइजेंटल वेलोसिटी है, वो इरादे से मैंने फेंका कि हाँ वो मेरी होराइजेंटल वेलोसिटी है, इतना ही वेलोसिटी में वो जाके ऑन रीचिंग द ग्राउंड वो ग्राउंड में ऐसे मतलब क्या होगा उसका पॉइंट होगा। अभी मैं क्या करती हूँ देखो, ए जो है मैक्सिमम हाइट लेट वाई लेती हूँ, या फिर एच कुछ भी लो, तुम लोग कुछ भी ले सकते हो। जब ए हमारा मैक्सिमम हाइट है, जब मैंने प्रोजेक्टाइल को ऐसे होराइजेंटली प्रोजेक्ट किया, तो ये हाइट के अगेंस्ट में गया कि नहीं, हाँ कि नहीं, ये हमारा हाइट यस है, मैंने उसे ऐसे प्रोजेक्ट किया, इसका मतलब वो हाइट के अगेंस्ट में है, हाँ कि नहीं? यस मैम, मुझे पहले, यस वेरी गुड, नहीं मैम मुझे पहले नहीं। देखे आम मोर हाइट टा एठे आमे रखी चंदे, मोर बॉल टा को एमिति फिंगी थिले, मो हाइट कोई थंदे किंतु मो एमिति फिंगीली, त माने बॉल टा जेतला आसिला ए हाइट रो अगेंस्ट आसिला नी, मो जते वाई लेखि बेटा माइनस वाई हो जा आसुची। ओके मैम, बुझि पल्लो एबे, देखो नेक्स्ट। ओके मो एबे कहली ए जो बॉल ऐसे आ रहा है, एक प्रोजेक्टाइल ऐसे मैंने प्रोजेक्ट किया, तो उसका पाथ क्या होगा, इसका पाथ मतलब एक किस पाथ में आता है, मतलब हम लोग जैसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन सर्कल ऐसे जब बोलते हैं, तो ये पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होगा, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रैजेक्टोरी, क्या बोलते हैं, ट्रैजेक्टोरी। ठीक है, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल को बोलते हैं ट्रैजेक्टोरी, तो व्हाट इज द ट्रैजेक्टोरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखो तो मैंने बड़ो है गले धीरे धीरे जिनसे बड़ा एक्वेंटेड हुआ, व्हाट इज द ट्रैजेक्टोरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, वो प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या होगा, पाथ मतलब उसका ट्रैजेक्टोरी क्या होगा। अब हम देखेंगे कि हाँ उसका पाथ क्या हो रहा है, देखो अगर वेलोसिटी ये जो होराइजेंटल वेलोसिटी है, अगर ये वेलोसिटी यू है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, यस और नो, ये हमारा होराइजेंटल डिस्टेंस है और टाइम लेट टी है, तो यू इज इक्वल टू एक्स बाय टी। ठीक है, देखो समझते, वेरी गुड, अभिनंदन है लगे रे सनातन आशीष। देखो तो यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा, यू इंटू टी, ठीक है कि नहीं सुभस्मिता अर्पिता? यस मैम। तो हमारा डिस्टेंस हमें एक्स मिल गया वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, अभी अगर इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग अप्लाई करते हैं, एस इक्वल टू मैंने ऐसे अप्लाई किया यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मेरे जो डिस्टेंस है, ठीक है,
एस मतलब क्या है हमारा हाइट वाई, लेकिन मेरा हमारा एम क्या है प्रोजेक्टाइल को होराइजेंटली प्रोजेक्ट करना, तो ये जो हाइट है ये माइनस वाई हो जाएगा, हाँ कि नहीं, बिकॉज वो हाइट के ऑपोजिट में आ रहा है। मैंने कहा था हाइट में जब मैंने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी उसमें क्या है, जीरो। कल मैंने कहा था इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है मैक्सिमम हाइट में, तो ए टर्म हमारा आ गया जीरो। अभी क्या होगा, हाफ ए के जगह क्या लिखेंगे, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। क्लियर, समझते है, बुझे लो। हेला वेरी गुड, समझते बुझे लो, उत्तम हेला। यस मैम, यस मैम, वेरी गुड। न्यू के आस ओके, तो ना आज कोन 14 आरम कहै गेले। एड मदन मोहन हेला कि रे मोहन, मदन मोहन म यस मैम। देखो ना हेले कहिबो समस्त, एबे मते कहो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस हाफ इनटू जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस कैंसिल हो गया। अभी मुझे क्या मिला, देखो y इक्वल टू मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, y इज इक्वल टू क्या मैंने लिखा, हाफ जी टी स्क्वायर, यस और नो? हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर हमें मिल गया। देखो हमें क्या चाहिए अभी, व्हाट इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल किस पाथ में आ रहा है उसको निकालना है। हम लोग तो देख रहे हैं इसी पाथ में आ रहा है, लेकिन इस पाथ को हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो वाई इज इक्वल टू, अगर ये हो गया हमारा हाफ जी, टाइम हमें क्या मिला था वहां पे देखो, एक्स हमें वेलोसिटी इक्वल टू एक्स बाई टी था, तो टी क्या हो जाएगा, एक्स बाई यू, एस और नो? तो टी के जगह मैंने एक्स बाई यू का स्क्वायर लिख सकती हूँ। यस मैम, हो गया। यस मैम, वेरी गुड। अगर y इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे तो आप और कौन क्लास अच्छे करे? नो मैम, नहीं हो। नो मैम, मैम एक्सटेंड करिए मैम। करिए मैम, देखो जते बाटे जीवो। y इज इक्वल टू देखो कौन हो, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर। देखिलो हो कि नहीं? यस मैम, यस मैम, वेरी गुड। एबे मते कहो x स्क्वायर इक्वल टू मु केते लिखि परिबी, 2 u स्क्वायर डिवाइडेड बाय g into y, लिखी परिबे कि नहीं, x square equal to 2y square denominator में, वो y में multiply हो जाएगा, फिर g divide हो जाएगा, देखिए लो हब कि नहीं? हाँ मैम, direct। Very good। अभी क्या करेंगे, x square is equal to, let this is our constant because initial velocity given g is 9.8, so this term is your constant, let k into y, ठीक है? Yes ma'am। Let k equal to t 2 u square by g, then x square is our k into y। देखिलो बुझिलो समस्त हैला? Yes ma'am। Yes ma'am। देखो यहाँ पे अभी क्या होगा? अगर x square equal to k y है, या फिर y is equal to k x square है, this is the equation of your parabola। क्या है equation of your? जैसे हम circle का equation लिखते हैं, x square plus y square equal to r square, वैसे ही equation ellipse का लिखते हैं, वैसे ही this is our equation of parabola, x square equal to k y होगा, या फिर y equal to k x square होगा, this is the equation of your parabola। हमें question से हमें क्या मिला, x square equal to k y, नहीं, this is the equation of parabola k y, which is symmetric along y-axis। symmetric along y-axis मतलब ये इस पार्ट में आधा है, अगर मैंने ऐसे किया तो ये भी आधा हो जाएगा। symmetric मतलब सेम, टू मतलब सेपरेट करेंगे तो सेम होगा, दो साइड सेम होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या, हाँ क्या हुआ मैम, मैंने बोला इक्वल हो जाएगा, इक्वल है, symmetric मतलब बोथ साइड इक्वल है, ठीक है। गोटे मिनट रह लो, चार्ज गोटे मिनट, हाँ कुह कौन है ना, कुह सिमेट्रिक मतलब सेम, अगर मैंने सिमेट्रिक समान दुई भाग, बुझी पालो, सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस माने वाई एक्सिस को समान दुई भाग रे जे डिवाइड कला, सेम पार्ट होगा, अलोंग वाई एक्सिस मतलब वाई एक्सिस में सेम पार्ट होगा। तो हमने यहाँ पे बोला एक्स
स्क्वायर इक्वल टू के वाई, ये जो इक्वेशन है दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर पैराबोला व्हिच इज सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस. दैट मींस वाई एक्सिस को वो सेम दो मतलब क्या होगा तो दो मतलब सेपरेट करता है ऐसे दो ही मतलब होगा उसका पार्ट्स तो वो सेम होगा जो दो पार्ट्स होगा वो सेम होगा. तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई मतलब दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला. दैट मीन्स हमारा जो प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने होराइजेंटली प्रोजेक्ट किया जिसका पाथ होगा पैराबोलिक पाथ. ठीक है ये जो पाथ है द पाथ ऑफ द ट्रैजेक्टरी इज पैराबोलिक. समझते क्लियर है लो मैम स्पेलिंग पैराबोलिक पैराबोलिक ले खुजी सल्ला एबे तमे बुझिलो मो कथा वर्डिंग बुझिलो यस मैम यस देखो तो ये क्या हो जाएगा दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. इक्वेशन ऑफ पैराबोला तुम पढ़ो मैथमेटिक्स रे बट एबुरा सब जानी था दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड द पाथ ऑफ आवर ट्रैजेक्टरी द पाथ ऑफ आवर प्रोजेक्टाइल एंड और मैं लिख सकती हूँ और द ट्रैजेक्टरी इज ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल को ट्रैजेक्टरी बोलते हैं द ट्रैजेक्टरी इज पैराबोलिक. यस और नो बुझिलो समझते क्लियर द ट्रैजेक्टरी इज पैराबोलिक समस्त है यस मैम हेला किरे समस्त क्लियर हेलो नाले मत पचारो नो मैम अथॉरिटी यस मैम कोटा कहि भी कहो मैम जो ट्रैजेक्टरी है हां देखे आमे जहां इक्वेशन पाइले x स्क्वायर इक्वल टू ky एटा पाइले कि नहीं कह एटा हला एक्चुअली इक्वेशन ऑफ पैराबोला. तमे कह एटा काहे कि आमे पैराबोला करे दिस इज ऑलरेडी डिफाइंड जिंस गुडा जेमि तमे कहो जो सर्कल ल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर r स्क्वायर इलिप्स र x स्क्वायर / a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर / b स्क्वायर इक्वल टू 1 जेमि तमे स्फीयर रो कहो जदी सिमिलरली पैराबोला अछि हाइपरबोला अछि इलिप्सॉइड अछि बहुत सारा जिंस अछि. सो x स्क्वायर इक्वल टू ky टा हला पैराबोला रो इक्वेशन. सो आमे कोन कहिले आमे केमिति पाइले आमे ए पाथ टा को देखु चोंती एबे ए पाथ टा केमिति होची मु गोटे ऑब्जेक्ट टा गोटे स्टोन टा को फिंगिली एमिति होराइजेंटली तो पाथ टा कोन होची आमे सेइटा देखु चोंती एई पाथ टा कोन हैला. सो आमे कोन कहउ चोंती पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल मु जेमिति प्रोजेक्ट करूची ऑब्जेक्ट टा को दैट पाथ इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी. तमे कहि परिबा पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक कहि परिबा दिस इज वेरी सिंपल वर्डिंग पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक बिकॉज़ x स्क्वायर इक्वल टू ky इक्वेशन हम पाइले. आउ जने सेटे कहिबा द ट्रैजेक्टरी इज पैराबोलिक दैट मींस सेइते ही बुझै देला कि पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल को ट्रैजेक्टरी कहा जाय. से कोन कहिला द ट्रैजेक्टरी इज पैराबोलिक बडो पिला हे गलोनी तमे बेटे केमती कथावर्ता करिवो द ट्रैजेक्टरी इज पैराबोलिक एबे बुझिलो देखिले कि इक्वेशन कौन होजेंटाली फिंगी किंतु वन साइडेड कहली कौन कहली इट इज सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस. नेक्स्ट जो पढ़ा कंपोनेंट नहीं पढ़ा जोटा कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो. मुझे कहली व्हाट इज योर टाइम ऑफ आसेंट टाइम ऑफ डिसेंट बिकॉज टाइम ऑफ आसेंट तो नहीं मुझे बाहर कली. सो टाइम ऑफ डिसेंट जहाँ भी बाहर करवा टाइम ऑफ आसेंट ओब्वियसली सेम होने मोर एवं एतक बाट जहाँ जाइ सेम ही बाहर थी तो आम कि गोटे पार्ट नहीं बाहर कर. सो व्हाट इज इट्स टाइम ऑफ डिसेंट टाइम ऑफ डिसेंट मीन्स द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल मुझे टू कम डाउन टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन जो पॉइंट रू आम प्रोजेक्ट करूछंती से सरफेस को जदि मोर पल आसी दैट इज योर टाइम ऑफ डिसेंट. फॉर टाइम ऑफ डिसेंट तम मैंने कह मत इनिशियल वेलोसिटी अभी क्या होगा फॉर टाइम ऑफ डिसेंट मी यू इक्वल टू 0. वेरी गुड समस्त बुझिलो कि नहीं काली बुझैथिली हाईएस्ट पॉइंट माने ऑब्जेक्ट रेस्ट रे थिला ता परे हमे कहउ चंती केते वेलोसिटी आसीओ दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी 0 समस्त बुझिलो यस मैम. मैम ये अब टाइम ऑफ एसेंट समझ रहे हो ना टाइम ऑफ डिसेंट निकाल रहे हैं हम ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं एक बॉल को तो टाइम ऑफ डिसेंट हम निकालेंगे. ऑलरेडी हमें पता है कि टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट है. ठीक है यस मैम. अगर इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है एक्सेलरेशन तो माइनस जी होगा लेट टाइम टी है लेट टाइम इक्वल टू टी. सो अगर हम अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन हमें निकालना है टाइम s इक्वल टू क्या होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर
नहीं ए क्वेश्चन ने पुट करिबा हमें मैम हमें डिस्टेंस दरकार कोन हैला कहो मैम कोथरी डिस्टेंस दरकार की बोल पछत टाइम दरकार हमको टाइम ऑफ डिस्टेंस पर कहउ चंती नहीं की प्रेमलाल टाइम दरकार हां टाइम दरकार मींस s इक्वल टू ut प्लस हाफ इट इज कर एबे मते को s मींस म कोन कहि जतम s क्या होगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लेंथ हाइट वही होगा तो ये सब क्या पुट करेंगे यहां पे मन दे की सुनी थो जदे कहिबो y माइनस y वेरी गुड माइनस y y काई कहलो म तमो कहि छी तमे तळ को फिंगु छ बॉलटा को तळ को फिंगु छ या हाइट को ऑपोजिट अछि दैट मींस माइनस y तो इनिशियल वेलोसिटी यहां पे 0 है ए टर्म तो 0 हो जाएगा हाफ हो गया एक्सिस एक्सीलरेशन क्या होगा माइनस g इनटू ये क्या है t स्क्वायर तो टाइम अभी क्या हो जाएगा देखो बोथ साइड में माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो t स्क्वायर इक्वल टू यहां पे क्या होगा 2y / g यस मैम समझ से बुझिलो यस मैम वेरी यस मैम 2y / g हां वेरी गुड सो t क्या हो जाएगा अभी 2y / g का रूट ओवर यस और नो लेकिन ये स्क्वायरिंग कर रहे हैं हम लोग रूट ओवर लेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा ना दो वैल्यू आएगा लेकिन टाइम का तो नेगेटिव वैल्यू नहीं है यहां पे तो टाइम क्या हो जाएगा ओनली t इक्वल टू 2y / g का रूट ओवर यस और नो यस मैम यस मैम यस मैम बुझ लो समझते 2y मतलब अगर तुम्हें देगा 2h / g तो ये भी ठीक होगा बिकॉज़ हाइट अगर हम h लेंगे तो h / g लिख सकते हैं हां कि नहीं यस मैम मैम यस मैम वेरी गुड किछ भी त मैं नहीं पर वेस्ट नहीं करू मैम टी रे जो वैल्यू डा सीटा को कांस्टेंट नहीं होवनी कांस्टेंट केन दिन मैम पर पाउ छन हमको हाइट जाना थी दरकार ग्रेविटी इज योर कांस्टेंट देन टी इक्वल टू हम कैलकुलेशन करिबा हां एठी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2y / g हां तापर रूट ओवर करसला पर 2h लिखिले मैम ना 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 मु एटा कहली कि 2y / g हमें नउ छंती जदी तमको पचला जणे कि तमे देखिलो कोठी कि h लिखाय छी हमें नै परिबे नै बिकॉज़ मु जदी y टा को h नै जीव हबनी कि सेम जिंस नो यस मैम यस एटा सेट पे कहली तो कोनोसी जिंस रे कंफ्यूज होनी जे कोनोसी बुक रे किछि भी नोटेशन देइथबो तमे जेमते कंफ्यूज न हुओ सेथि पे मु सब गुडा कहि दउ छी जे कोनोसी जिंस तमे देखिलो कि सपोज जणे कहिला 2h / g ठीक अछि 2h / g तमे मे भी h नै थिबो तमे संग संग आर्ग्यु करि परथबो मे भी h नै थिबो मो y नै छि देन मो आंसर भी ठीक अछि बुझि परछो कि हां मैम तो जेमते आर्ग्यु करि परथो जदी भी किछि कन्फ्यूजन जेमते न होए तो t इक्वल टू 2y / g रूट ओवर ठीक अछि जने जदी कहबो काहे के माइनस 2y / g न बानी तमे कोन कहबो टाइम माइनस हबो टाइम माइनस रे बाहर नै वेरी गुड कहि परबो नेगेटिव साइन इज नेगलेटेड नेगेटिव साइन टाइमिंग रो नाही टाइम के नेगेटिव रे हां मैम वेरी गुड बढे अबरे तमे आंसर एंती सब करबो टाइम ऑलवेज तमे कहि परबो टाइम हमें सब बेले पॉजिटिव नबा नेगेटिव रेफरेंस किछ नाही हमें कोन नेगेटिव पास्ट रे बंचो चंदी कि नाही कि प्रेजेंट मींस पर्टिकुलर टाइम कोन बेसी कहले एंती कथा हबो हैला नेक्स्ट होराइजॉन्टल रेंज व्हाट इज योर होराइजॉन्टल रेंज काली एटा मते पचारी थिला कि सनातन सनातन अछु कि नथिबो बोधे आजी होराइजॉन्टल रेंज वर्टिकली अगर हम एक बॉल को ऐसे फेंकेंगे या फिर एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके लिए होराइजॉन्टल रेंज क्या है 0 कल हुआ था ये सब उसका होराइजॉन्टल था क्या नहीं था ये तो वर्टिकली है ना वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड तो होराइजॉन्टल है क्या कुछ नहीं है नहीं 0 0 है यहां पे हमें होराइजॉन्टल रेंज निकालना है होराइजॉन्टल रेंज मतलब क्या है ए एक्स है एक्सिस एटा हबो नहीं देखिलु होराइजॉन्टल रेंज मींस इस एक्स को हम लेंगे ना तो एक्स क्या था एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम पहला वाला इक्वेशन में मैंने किया था एक्स इक्वल टू यू अंडर टी हां कि नहीं बिकॉज़ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम एक्स का मतलब ये जो एक्स है ये यू टी हो जाएगा ठीक है वेरी गुड तो यहां पे जो है x हमें जो होराइजॉन्टल रेंज निकालना है x का u as it is टाइम अभी हमें क्या मिला 2y / g और 2h / g का रूट ओवर हां कि नहीं यस मैम इसका मतलब होराइजॉन्टल रेंज x इक्वल टू u 2h / g का रूट ओवर या फिर 2y / g का रूट ओवर हो सकता है मदन मोहन उत्तम है लग रहे अविनाश yes. अभिनंदन सब दिव्यश्री मैम एक्स पुनीतर को है मैम पुनीतर
कौन कहबे कोन थरे कहबे हां देखे होराइजेंटल रेंज हां हमको होराइजेंटल रेंज पचाचे होराइजेंटल रेंज मींस इट इज अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल होराइजेंटली इन द होराइजेंटल डायरेक्शन ए ए सब जिंस होराइजेंटल आमे रास्ता रे चालो छंती होराइजेंटल जदी ऊपर को जाने जाउ छी वर्टिकल एबे बुझिलो त हमको होराइजेंटल दरकार होराइजेंटल रेंज केते गिवन अछि x अछि आमे ऑलरेडी जानि छंती वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम तो x केते हे जइबे u into t नै x रहिला u रहिला ऑलरेडी हमको टाइम एबे पाइले 2h / g √ ओवर या फिर 2y / g √ ओवर किछ भी नियो तो होराइजेंटल रेंज म पाइ गेली यस मैम हे गेला तो हमें कहो 2y / g नेबी तो 2y / g √ कर परबो किछ प्रॉब्लम नै ओके मैम सल्ला एबे आमे पाइ गेले एति कि जिंस असल जिंस एबे आसीबो देखो नेक्स्ट बुझु त समस्त हैला एबे आमे बाहर करबा यस मैम अभी देखो क्या करेंगे प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विथ द होराइजेंटल प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विथ द होराइजेंटल इसका मतलब वो तो वेलोसिटी यू वेलोसिटी में था जो होराइजेंटल रेंज हमने ने किया प्रोजेक्टाइल ऑफ द माने पैराबोलिक पाथ मैंने किया ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल वो यू वेलोसिटी में था अभी क्या बोल रहा है कि प्रोजेक्टाइल फायर एट एन एंगल थीटा विद द होराइजेंटल इसका मतलब क्या होगा होराइजेंटली हम एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे लेकिन उसके साथ कुछ एंगल आएगा इसका मतलब कुछ कंपोनेंट आएगा ठीक है बुझो जो समझते हैला कि अभिनंदन राजेश राजेश नियम की आछ कि यस मैम हां उत्तम अच्छा राजेश की आछ भरनियो राजेश सुभु जी बुझु जा नहले पचारिबो एते धीरे धीरे केई बुझेबेनी आ एमी तिबी केई बुझेबेनी हमको हम टीचर सेम तिबी बुझांतिनी आराम से किछि बुझांतिनी पढे देगे पळांति बुझि पालो कि तो सब एमिति धीरे धीरे केही भी बुझेबेनी आराम से बुझिबो सुनो मु कोन कहली प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा ठीक है विद द होराइजेंटल ठीक है प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद द होराइजेंटल इसका मतलब क्या है होराइजेंटली एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे होराइजेंटली एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं लेकिन एक एंगल में लेट मैंने ऐसे किया वो मैंने हाफ लिया था अभी फुल लेंगे देखो हो गया वहां पे पहला वाला में क्या था ऐसे हाफ था नहीं अभी मैं फुल ले रही हूँ प्रोजेक्टाइल फायर्ड होराइजेंटली मेकिंग एन एंगल थीटा कुछ कंपोनेंट ऐसे बना के कुछ एंगल बना के मैं ले रही हूँ ठीक है मिल गया ठीक है देखो अगर मैंने किया इसको u वेलोसिटी में प्रोजेक्ट किया लेट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज u ठीक है अभी मुझे बताओ यहाँ पे जब मैं वर्टिकली वेलोसिटी मैंने किया था प्रोजेक्टाइल जो वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकल डाउनवर्ड उसमें होराइजेंटल रेंज नहीं था लेकिन अभी मैंने जो होराइजेंटली रेंज में उसको कर रही हूँ प्रोजेक्ट कर रही हूँ एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखो मैक्सिमम हाइट ए है यहाँ पे इसका मैक्सिमम हाइट है यस और नो यस मैम समस्त बुझिलो एटा मैक्सिमम हाइट नहीं कि एटा त पिक पॉइंट आसी गला तापर तळ को जाउची लेट दिस इज योर वाई एम ता माने हमें कोन कहि परिबा अगर होराइजेंटली एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं दैट मींस उसका वर्टिकल कंपोनेंट भी यहां पे आएगा हां कि नहीं मैम इसको एचएम नहीं ले सकते क्या वर्टिकल कंपोनेंट को वर्टिकल कंपोनेंट माने दे एटा वर्टिकली सब बेले अपवर्ड थिबो नहले डाउनवर्ड थिबो होराइजेंटल एम्प्टी थिबो जत बेले मु गोटे ऑब्जेक्ट को एटू फिंगिली देखिलो मु एम्प्टी गल्ला एम्प्टी तमे गल्लो त माने एटा गोटे वाई एक्सिस आसी जाउ ने वर्टिकल कंपोनेंट आसुनी यस मैम यस मैम कोन आमे वर्टिकली नउथिले वर्टिकली तू बॉल को एम्प्टी ऊपर को फिंगुतुल बॉलटा से डायरेक्शन तळ को आसला नहले एम्प्टी तळ को आसला होराइजेंटल रेंज नथिला मु एबे बॉलटा को कोन करू छी बॉल टा को एमिति फिंगिबी तो जतले एमिति फिंगिबो तोर गोटे हाइट आसीबो यस मैम
हाइट मींस गोटे वर्टिकल कंपोनेंट वाई एक्सिस आसी गला सेठी हाइट मींस बुझि पल्लो एबे गोटे डिस्टेंस आसला हाइट आसला देखो एटा त मु वाई एक्सिस नै छी दैट मींस एटा भी वाई एक्सिस एटा तार हैला वर्टिकल कंपोनेंट हां कि नै यस मैम यस मैम यस मैम वेरी गुड एबे मते को एटा मु पाइली वाई एम वर्टिकल कंपोनेंट लेट दिस इज थीटा the velocity u making an angle theta with the horizontal ye gote velocity re gala ye kon kala horizontal direction ne gote theta angle kala dekhilo ebe bujhilo eta let u to etike distance ta ame nei chanti x dekho theta angle gote kari pariba horizontal achi gote vertical achi theta angle he paribani gote angle formation karchi ki nai yes ma'am hello yes, ma'am तो मन रखे तुम कंपोनेंट्स भी पढ़ेबी ए मन रख थीटा को लागी कि जो साइड थाए ताको को साइड को आ जाए कॉस कंपोनेंट दैट इज योर कॉस थीटा थीटा रो फ्रंट रे जो साइड थाए दैट इज योर साइन थीटा ठीक अछि थीटा टा कहा जो को आसु छि वेलोसिटी जो को दैट मींस दिस इज योर यू कॉस थीटा दिस इज योर यू साइन थीटा जहा जो को आसीबो सेई कंपोनेंट आमे लेखिबा वेलोसिटी जो को आसीबारु मु लेखिले यू कॉस थीटा ए जो वाई एम टा मु लेखिले यू साइन थीटा होबो कि नाही देखिलो यस यस मैम गोटे डाउट थिला हां 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 कुह 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 मैम एटा त गोटे सर्कल भली अछि ना त अतर पुनी हमें कोण पुनी केम डिफाइन करिया काई सर्कल भली अछि सेमी सर्कल अच्छा सेमी सर्कल देखो 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 समस्त सेमी सर्कल हां सुना सुना सर्कल हो कि से जहा भी हो मु एमिति गली नहीं एटा मोर होराइजेंटल रेंज रहला मु एमिति गली पेन को फिंगिली कि गोटे स्टोन को फिंगिली सपोज सम वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड रे फिंगिली जतले मु फिंगु छी एठी मोर गोटे एंगल फॉर्मेशन करिवनी हम तो सेइठू जो उठि के बेंड होउ छी से जाय कोन पर माने सीधा जीवो ना ना आमे केवल वेलोसिटी टा एठी करले एठी एंगल फॉर्मेशन करले तापर त से एमति जीवो मु एटा केवल आमे जणाइबा पई आमे एमति ड्रा करले यू वेलोसिटी रे से गला अमे 2 मीटर पर सेकंड कले ये 2 मीटर पर सेकंड रे गला एठी गोटे मोर का कला नी कि एंगल फॉर्मेशन हम से जो पैट तार त माने प्रति पॉइंट रे तार चेंज होबा ना सर्कल भली प्रति पॉइंट रे चेंज हो तोरा इनिशियल वेलोसिटी तू गोटे देलो इनिशियली गला तापर से गोटे वेलोसिटी सपोज गला किसी तार जहां भी हो ता सहित हमर किछ कनेक्शन नै मोर जतले यू वेलोसिटी मु एठी कहली गला एठी जतले मु फिंगिली सेठी मोर गोटे एंगल फॉर्मेशन करिवनी होराइजेंटल एंड से जो कंपोनेंट हमर यू आसु छी हम को वेलोसिटी ता करिवो गोटे मिनिट रो एटा बुझिलु यस देखिलु बुझिलु केबे मैम मु पछली को पॉइंट सेंटर करियो जमते हमें एंगल ड्रा करिया पे तीनटा पॉइंट जॉइंट करू ना तीनटा पॉइंट कोन पे मैम गोटे होसी माने जोटा ओरिजिन पॉइंट आ एपड गोटे सेपरेट गोटे पॉइंट ना ना जस्ट खाली मु कहले ओरिजिन पाखरे ही हमें जतल इनिशियल वेलोसिटी नो छंदे सेतो बलिका ही फॉर्मेशन करिवो हैला की आउ कोठे हमें को देखि पारो ना केवल ओरिजिन पाखरे ही जा नै छंदे सेठी ही फॉर्मेशन करिवो हैला एबे मु कहली कि हमर जतले आसुछि कंपोनेंट मोर एटा वर्टिकल कंपोनेंट आसला जतले यू वेलोसिटी रे गला मोर एटा गडा एंगल फॉर्मेशन कला सो जतले एंगल फॉर्मेशन करूछि थीटा एंगल थीटा को लागे कि जो साइड कॉस साइड थीटा रो फ्रंट रे जो साइड साइन थीटा में कोहंती नै कि कंपोनेंट जदि नबा ताले एथि हम कहां जको कंपोनेंट आसुछि वेलोसिटी जोगो तो मु एटा कहले u cos थीटा एटा को मु कहले u sin थीटा हां कि नहीं देखो हैला एबे मते कहो जस्ट मु खाली जणैबे पे कहूची अगर यहां पे एक ड्रा करती हूं मैंने एक ड्रा करती तो ये एक रेक्टेंगल शेप हो गया इसका मतलब अगर a u cos थीटा है ये भी u cos थीटा हो जाएगा अगर a u sin थीटा है ये भी u sin थीटा हो जाएगा हां कि नहीं यस मैम यस मैम बुझ पल्लो ता माने कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्या मैम वो जो हॉरिजॉन्टल रेंज था देन टाइम डिसेंट और ये वाला मैम क्या है
कौन सा वाला मैम? वो जो पहले का आपने सिखाए थे वो कैसे हॉरिजॉन्टल रेंज देन टाइम ऑफ डिसेंट, और ये वाला कौन सा मतलब ये मतलब? नहीं वो हाफ लेके मैंने किया था, ये मैंने फुल लेके कर रही हूँ। यहाँ पे कंपोनेंट आएगा, वो पे कंपोनेंट नहीं था, वो हाफ लेके मैंने किया था, इसीलिए ये इजी होगा तुम्हें समझने के लिए, इसलिए मैंने पहला वाला उससे किया था, इसके बाद ये मैं कर रही हूँ। अभी मुझे बताओ ये वाला यू साइन थीटा आ गया हाँ कि नहीं, समझ से बुझी लो? मैम यहाँ पे वो एक्स जो था वो यू कॉस थीटा हो जाएगा ना? हाँ वेरी गुड। अभी जो ये हमारा होराइजेंटल कंपोनेंट था वो यू कॉस थीटा हो गया, अभी जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो यू साइन थीटा मिल गया हमें। लेकिन उस केस में क्या था, ओनली होराइजेंटल कंपोनेंट एक्स था, वो वहां पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो, वो वहां पे वर्टिकल कंपोनेंट कुछ नहीं था, तो यहाँ पे क्या मिला हमें, होराइजेंटल कंपोनेंट यू कॉस थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा, हाँ कि नहीं? यस मैम। बुझिला समझता, अभिनंदन हैला कि रे राजेश आशीष जे बुझि पालेनी पचार उत्तम प्रेमलाल समस्ते दिव्या श्री रोशनी मोहन मदन मोहन मैम वर्टी पूर्ण मैं से बुझिलो यस मैम सुर को अब दिव्या श्री का कुछ भी मतलब सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से। तमे अदर बुझी लो मैम वर्टिकल वाला और एक बार समझाना। देखो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है अगर ऐसा आएगा इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। अगर मैंने उसको एक ड्रॉ करूंगी रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का क्या होता है ऑपोजिट साइड सेम, तो अगर यहाँ पे यू साइन थीटा तो ये भी यू साइन थीटा आ गया, नहीं इसका मतलब हमें वर्टिकल कंपोनेंट वाई कंपोनेंट भी मिल गया यू साइन थीटा, हाँ कि नहीं? यस मैम बुझिला yes, yes, अभी तक अगर हम लोग निकालेंगे इसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, अभी तो निकाल सकते हैं हम लोग। अगर इसका मैक्सिमम हाइट में निकालूंगी, मैक्सिमम हाइट मतलब वाई एम लेट, मैक्सिमम हाइट के लिए कुछ होराइजेंटल कंपोनेंट यहाँ पे आएगा क्या अभिनंदन? नो मैम नहीं आएगा। वेरी गुड, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट बिकॉज मैक्सिमम हाइट हमें हाइट को देखना है। एच ले सकते हैं ना? हाँ कुछ भी ले सकते हो, एच लो वाई लो कुछ भी लो, मैक्सिमम हाइट मतलब तुम्हारे मर्जी कुछ भी ले सकते हो तुम लोग, ठीक है? मैक्सिमम हाइट में फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? जीरो। वेरी गुड, समझते को बुझी लो फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट रेसिस जीरो नहीं? इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम हाइट में इनिशियल वेलोसिटी मतलब कौन सा वाला कंपोनेंट आएगा, होराइजेंटल या फिर वर्टिकल? मैक्सिमम हाइट में बोल रही हूँ, कौन सा वाला कंपोनेंट आएगा? फिर होराइजेंटल क्यों? वर्टिकल। वर्टिकल यस मैम। वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, मैक्सिमम हाइट मतलब हम ऊपर जा रहे हैं, तो होराइजेंटल तो ऐसे होता है ना, हम लोग ऊपर जा रहे हैं मैक्सिमम हाइट, तो कौन सा वाला कंपोनेंट आएगा? वर्टिकल। आपने इनिशियली क्यों बोला फिर? इनिशियल वेलोसिटी है, कंपोनेंट हम क्या लेंगे यहाँ पे, मैं बोल रही हूँ कि मैक्सिमम हाइट निकलना है, ठीक है? देखो यहाँ पे पहले से फिर से सुनो, मैक्सिमम हाइट निकलना है हमें, ठीक है? मैक्सिमम हाइट मतलब पहले कॉन्सेप्ट समझो, हाइट, हाइट मतलब जो भी हम लेंगे वो सब वर्टिकल कंपोनेंट के लिए लेंगे। यस मैम वर्टिकली। यस यहाँ पे तो होराइजेंटल का कुछ काम नहीं है, हाइट के लिए वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, ये हमारा मैक्सिमम हाइट है, ये है यहाँ पे मैक्सिमम हाइट के लिए हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? यू साइन थीटा, बिकॉज ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है। U sin theta, okay. Very good. U sin theta, cos का नहीं है, cos horizontal है. वो vertical component हमारा क्या है अभी? U sin theta. तो हम लोग maximum height में लेंगे, तो U sin theta लेंगे. तो final velocity क्या हो जाएगा? Zero. Zero. Very good. हो गया. अभी मैं अगर put करूँगी v square minus u square equal to 2as equation of motion, मैं अभी put किया. तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, v square minus u square equal to 2as, ठीक है? v square मतलब final velocity है तो zero है, minus u square initial velocity क्या होगा उत्तम? u sin theta का square equal to
टू इंटू एक्सेलरेशन क्या है माइनस जी, और मैक्सिमम हाइट के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है वाई एम, तुम लोग वाई नॉट लिख सकते हो, एच लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारे मर्जी, ठीक है? यस मैम, हो गया। तो जीरो माइनस यहाँ पे क्या मिला है मुझे, मी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस टू जी इंटू वाई नॉट, बोथ साइड में अगर माइनस माइनस कैंसिल किया मैंने तो वाई नॉट या फिर वाई एम कुछ भी लिख सकते हो तुम लोग, कुछ भी लिख सकते हैं। लेट मैंने यहाँ पे वाई एम लिया है, वाई एम लिख दू, तो वाई एम इक्वल टू यहाँ पे हमें क्या मिलेगा देखो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टू जी, ठीक है? यस मैम। दिस इज योर मैक्सिमम हाइट, समस्ते बुझिलो? अभिनंदन हला कि रे आशीष मैम, हेलो मैम, प्रेमलाल यू स्क्वायर जगह रे कोन पे अपन यू साइन थीटा लिखले, बिकॉज मैक्सिमम हाइट जाउ छंती हाइट पई का हमर आसी चेटी वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा सेठी से ना नथिला, किंतु हम एठी तो पाउ छंती ना वर्टिकल कंपोनेंट हाइट पई का, मु लिखे भी अबे मोर वर्टिकल कंपोनेंट मैम, और u स्क्वायर कैसे आया? बिकॉज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो u के जगह अगर u sin थीटा होगा तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यस मैम। मैम y के जगह हम h तो पुट कर सकते हैं? हां हां हां, h ले सकते हो, y नॉट ले सकते हो, कुछ भी तुम्हारे मर्जी, मैक्सिमम हाइट लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? Yes, ma'am. किसी भी लेटर को ले सकते हो, एस हो, एच हो, वाई हो, लिख सकते हो तुम लोग, जो भी मेंशन करोगे वो से ले जाना मैक्सिमम हाइट में। सल्ला समझते हैला? Yes, ma'am. Next. Yes, ma'am. ओके, ये हमें मिल गया मैक्सिमम हाइट। अभी अगर मैं बताऊंगी टाइम ऑफ असेंट क्या होगा इसका, टाइम ऑफ असेंट अभी तो हो सकता है बिकॉज ए यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम ऑफ असेंट मतलब मैक्सिमम हाइट को जाने के लिए जो टाइम चाहिए वो हमारा टाइम ऑफ असेंट है। इट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रेज टू द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचने के लिए हमें जो टाइम चाहिए वो हमारा टाइम ऑफ असेंट है, हाँ कि नहीं? इसका मतलब इस पॉइंट में पहुंचने के लिए, इस पॉइंट में पहुंचने के लिए जो टाइम होगा उसे बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट, इस पॉइंट में पहुंचने के लिए, ठीक है? इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट में हमारा अभी जो होगा फाइनल वेलोसिटी क्या है, अभी मुझे बताओ, पहले मुझे बताओ कौन सा वाला कंपोनेंट यहाँ पे लेंगे, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल कंपोनेंट। वेरी गुड, वर्टिकल कंपोनेंट। टाइम ऑफ असेंट मतलब मैक्सिमम हाइट में पहुंचने के लिए, हाइट टर्म आएगा मतलब वो वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या है? जीरो मैम। जीरो, अभी हमें निकालना है टाइम, v इक्वल टू क्या लिखेंगे, u प्लस at, ठीक है? फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या है, जीरो, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u sin theta, acceleration में क्या लेंगे, minus g into t, मिल गया हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u sin theta equal to g into t, तो हमें टाइम क्या मिल गया, t equal to कितना ऐसी गला, u sin theta by g, तो time of ascent is your u sin theta by g, देखिलो हो कि नहीं? Yes ma'am. समस्ते बुझिलो, समस्ते बुझिलो, बॉयज माने हला मैम, मैम फोन इता लिख पिक करते कोटा बुझि पल्लनी को मैम, फार्मूला तो फोन इता रिपीट कर दे, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पढुचंती देखे। यस मैम। मैक्सिमम हाइट, हाइट टर्म आसीओ माने सबले वर्टिकल कंपोनेंट नबा, वर्टिकल कंपोनेंट पई मोजे तो मैक्सिमम हाइट रे पहुंचो जे पूरा हाईएस्ट पॉइंट रे फाइनल वेलोसिटी केते, जीरो, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी केते, u sin थीटा, वेरी गुड, u sin थीटा, अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u + at, टाइम निकालना है हमें। यस मैम। तो u, ये तो जीरो हो गया, ये हमारा हो गया u sin थीटा, एक जगह क्या लिखेंगे, माइनस g * t, माइनस g * t, तो ये क्या मिल गया हमें, u sin थीटा इक्वल टू gt, u sin theta,
हां यस मैम नहीं जीरो है लेफ्ट साइड में तो यू sin थीटा ले आए या फिर जी टी को ले आए हो गया यस मैम अब हो गया ओके तो टाइम मिल गया मुझे यू sin थीटा बाय जी यस मैम अभी मुझे बताओ अगर टाइम ऑफ असेंट यू sin थीटा बाय जी है तो टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा यू sin थीटा बाय जी यू sin थीटा बाय जी वेरी गुड समझते बुझिलो यस मैम तो अभी मैं बताऊंगी व्हाट इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी लेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ए पॉइंट से ए वाला पॉइंट आने के लिए जो टाइम होगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट इसका मतलब टी इज इक्वल टू टू इंटू टी ए होगा या नहीं होगा देखो यस मैम समझते बुझिला टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो टाइम चाहिए इसका मतलब टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट बट टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट दैट मींस 2 इनटू टी सो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा 2 इनटू यू sin थीटा बाय जी यस और नो यस मैम मेंबर 2t कैसे हुआ 2t कैसे हुआ देखो टाइम ऑफ असेंट ए टी है यहाँ पे टाइम ऑफ डिसेंट क्या है टी है बिकॉज टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट तो टी प्लस टी क्या मिल गया हमें 2t तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है ये जीरो से यहाँ तक पहुंचने के लिए जो टाइम चाहिए तो ये 2t टाइम ही होगा तो ये हो गया 2u sin थीटा समझते बुझिलो यस मैम एबे मते कुहो होराइजेंटल रेंज जदी बाहर करबी केते आसीबो व्हाट इज योर होराइजेंटल रेंज एक्स क्या होगा वेलोसिटी इनटू टाइम हां कि नहीं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम तो होराइजेंटल रेंज हमें एक्स दिया हुआ है तो यू इनटू टी लेकिन यहां पे यू क्या लेंगे कॉस कंपोनेंट उसका जो होराइजेंटल कंपोनेंट है यू कॉस थीटा हां कि नहीं टाइम क्या लेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट बिल्कुल जीरो से यहाँ तक आने के लिए जो टाइम चाहिए उससे लेंगे हाँ कि नहीं बुझ लो समझते यस मैम तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा है टी इक्वल टू तुम्हें मिल गया टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी ठीक है एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर 2 u square sin theta cos theta divided by g dekhilo samaste buchilo hobo yes ma'am kon chup rahiyola asisela ki re x is equal to u square rahila 2 sin theta cos theta ro formula trigonometric sin 2 theta by g etki lekhilo hobo eta bi lekhi debo hela ki re yes ma'am yes ma'am ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला क्या बोला नहीं नहीं मैंने कहा कि 2 इनटू यहाँ पे क्या था 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा उसको लिखते हैं साइन 2 थीटा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला है साइन 2 थीटा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला चाहिए तो बोल दीजिए बोल दो मैं भेज दूंगा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला भी हमें चाहिए ठीक है यस मैम सारे फॉर्मूला साइन थीटा का क्या कॉस थीटा का क्या 2 sin theta into cos theta इसको बोलते हैं sin 2 theta तो यूज करता था उसको मैंने लिख दिया ऐसे sin 2 theta divided by g यस मैम बेस है ना सारे ओहो सल्ला किरे पिले यस मैम हो ताले रहली यस मैम गुड नाइट मैम यस मैम गुड नाइट बाय बाय गुड नाइट हां गुड नाइट समझते हो बाय